जय हिंद दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो कि हेरेशन क्लासेस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो कहते हैं वही इग्नोर करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि मैंने जो जो कहा था वो इस बार नोटिस के थ्रू बहुत सारी गुड न्यूजेस है जो आपको मिलने वाली है। इग्नोर ने तो जैसे कमाल ही कर दिया, बहुत सारी अपडेट दी है इग्नोर ने। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और जी हाँ, कॉमेंट पे अपने सवाल और आपको जो भी पूछना है वो ज़रूर से ज़रूर ही लिखें। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स की। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि गुड न्यूज़ के तौर पे इग्नू ने एक बार फिर से आप सबकी री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है जुलाई सेशन की वो एक्सटेंड कर दी है, और ये बढ़ा के कर दिया गया है 15 सितंबर 2021 तक। यानी कि 15 सितंबर 2021 तक आपको आपका री रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर कीजिए। री रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं अपने सेकेंड ईयर के लिए या फिर फाइनल ईयर के लिए, वही सब्जेक्ट्स आपको आगे देने होते हैं उसके एग्जामिनेशंस। तो प्लीज़ क्रेडिट को ध्यान में रख के चूज़ कीजिएगा, और वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो सबसे ईजिएस्ट होता है। बहुत बार बहुत सारे लोग बहुत टफ सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा नंबर है ना, आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा हमारा नंबर, वहाँ क्लिक कीजिए और हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे री रजिस्ट्रेशन से आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखे, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन एडमिशन्स की डेट। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का जो लिंक है वो 15 सितंबर तक अब बंद होने वाला नहीं है, यानी कि 15 सितंबर तक आप जो है अपना ऑनलाइन एडमिशन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो आपका टर्म इंड का रिजल्ट है। टर्म इंड 2021 के जून का रिजल्ट अभी पब्लिश हो गया है। जी हाँ, रिसेंटली ही अपडेट हुआ है। 24 तारीख तक के जितने भी रिजल्ट है वो अपडेट हो चुके हैं, आप बस क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। ग्रेड कार्ड से यहाँ बता दूं कि आपका टर्म इंड का रिजल्ट और उसके साथ साथ ही ग्रेड कार्ड की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि हम फेल क्यों हो जाते हैं। फेल होने का रीज़न ये है कि आपने सही मार्क्स नहीं लाया। दो रीज़न के वजह से फेल हो सकते हैं। फर्स्ट है कि आपने असाइनमेंट में सही मार्क्स नहीं लाया होगा, या फिर आप थ्योरी पेपर में फेल हुए होंगे। दो रीज़न हो सकते हैं। तो रीज़न कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना होगा अपने ग्रेड कार्ड को स्टेटस को चेक करके। ग्रेड कार्ड के स्टेटस को चेक कीजिएगा आप कि आपका मार्क्स कहाँ कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड है। जैसे ये थ्योरी पेपर में इन्हें इस कैंडिडेट को सही मार्क्स नहीं मिले हैं, आप असाइनमेंट में नंबर में देख लीजिए 67, 55, 64, यानी कम्प्लीटली ये इसमें पास है। दूसरा, लैब टास्क की ओर जाते हैं तो यहाँ पर 41 और 57, इसमें भी ये कैंडिडेट पास है, लेकिन थ्योरी पेपर में कम नंबर आने की वजह से यहाँ फेल हो गया। तो मैंने इस वजह से भी आपको बताया था कि आपको 100 में कितने मार्क्स लाने हैं और कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, तो इसकी भी जानकारी मैंने दी थी, दोबारा मैं आपको जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन और एक अनाउंसमेंट हुई है, नोटिफिकेशन फॉर एक्सटेंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ री रजिस्ट्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए नोटिस में क्या कहा गया है। इस नोटिस में ये दिल्ली इग्नू दिल्ली के स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन की तरफ से आया है। अब देख लीजिए ये नोटिस बिल्कुल ही सही है, और चलिए अब इसकी कंफर्मेशन तो हमने कर ली, आपको दिखा दिया, आप दिखाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, सब्जेक्ट्स में ये कहा गया है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट टू बी हेल्ड इन अगस्त 2021, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ री रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिफिकेशन डेट 9 जुलाई 2021। यहाँ पे 9 जुलाई 2021 को जो कहा गया था कि आपका, मैं इन शॉर्ट में बताती हूँ, इस नोटिस में ये कहा गया है कि जिस भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जून 2021 में समाप्त हो रही थी, उन लोगों की जो वैलिडिटी है उसे बढ़ा करके एक्सटेंड करके दिसंबर 2021 कर दिया गया है। यहाँ पे इसके साथ ये भी बताया गया है, हैव नॉट कम्प्लीटेड एनी ऑफ द इवेल्यूशन कॉम्पोनेंट, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, लैब टास्क, कोर्स असाइनमेंट, सभी चीज़ों के साथ साथ ही आपका जो डेट है यानी कि आपकी वैलिडिटी है वो एक्सटेंड करके दिसंबर तक कर दी गई है। अगर आपका अब एक्सपायर हो रहा था तो अब आप दिसंबर तक आपको मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही आपका डेट एक्सपायर होगा आपका रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी। ठीक है, एकदम यहाँ क्लियर लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया बहुत ही आसान शब्दों में। अब देखिए यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि आपकी वैलिडिटी कब तक की थी। तो सभी लोग
सबसे पहले अपनी आईडी पर लॉगिन हो जाइए। आईडी पर लॉगिन होने का तरीका बहुत ही आसान है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट जोन पे जाइए। स्टूडेंट जोन पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप पहुँच सकते हो। दूसरा है ऑप्शन, आप igno.ac.in पे आइए और डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा इनरोलमेंट स्टूडेंट। यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके यहाँ से भी लॉगिन हो सकते हैं अपनी आईडी पे। दो तरीके मैंने आपको बताया, किसी का भी यूज़ कीजिए जो आपको सबसे सही और ईजी लगता है। इसके बाद आपको आना है अपने अपनी आईडी पे। आईडी पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिशन ईयर, ठीक है, उसके बाद एडमिशन वैलिड अप टू। यही चीज़ आपको चेक करनी है कि आपकी एडमिशंस कब तक वैलिड है। अगर आपकी वैलिडेशन बढ़ा दी गई होगी तो इस जगह पे आपको दिखा जाएगा कि आपका जो एक्सटेंशन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी होगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप और चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस। तो देखते हैं असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस के बारे में। अभी तक कोई भी स्टेटस जो है रिसेंटली अपलोड नहीं हुआ है, बल्कि ईमेल एड्रेस के थ्रू जिस भी कैंडिडेट ने अपना गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट किया था, उन लोगों की अपडेट जरूर आ रही है उनकी रीजनल वेबसाइट पे कि उनका असाइनमेंट एक्सेप्ट हुआ है या फिर हो गया है पूरी तरह से रिजेक्ट। तो ये सारी अपडेट है। तो दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी अपडेट है कि एक्सटेंशन इतनी अच्छी चीज़ों की हो गई है। अब उसी के साथ साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सितंबर एग्जामिनेशंस को लेकर क्या होगा, यानी कि सॉरी दिसंबर एग्जामिनेशंस को लेकर क्या होगा और कब आएगी उसके लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन की फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी अपडेट ज़रूर देंगे, क्योंकि इग्नू की तरफ से और एक नोटिस आई है जो दिसंबर एग्जामिनेशंस को लेकर है। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, सब हम ज़रूर क्लियर करेंगे। कमेंट सेक्शन पे सवाल लिखिए और जी हाँ, जय हिंद तो ज़रूर ही लिखिए। थैंक यू सो मच।